महिलाओं को घुमाया गया, उसी तरह से इजराइल वाली घटना पर मोदी जी बोल सकते हैं, वहाँ भी नग्न करके जो है इजराइल में घटना पर मोदी जी बोल सकते हैं, लेकिन मणिपुर के मामले में आज भी मणिपुर जल रहा है। पास आज को ये ऑप्शन नहीं बचा है कि अब वे अपने कैसे जीवन को बचाएं, मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में फिलिस्तीनियों को आज संघर्ष करना। आप अगले 5 दिनों में देखना, निश्चित रूप से फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी और इजराइल को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और इजराइल को समझौता करना पड़ेगा। आप इस बात को मान लें, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम इस तरह की नफरत के साथ खड़े हो जाएंगे तो आने वाले समय में फिर दुनिया में विश्व युद्ध की संभावना है। बढ़िया अपने देश की सच्चाई नहीं दिखाता है। भारत के मीडिया ने भारत में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को आज तक माननीय अडानी जी को इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीजें हैं। आप लोग इसराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस, आपसी वैमनस्यता और राग में ज्वलनशीलता बनी हुई है। मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों, मेरा एक चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आप बताइए, हमने प्रधानमंत्री चुना था कि यूट्यूबर, यूट्यूब की कमाई से अपना घर परिवार चलाओगे? आपको यूट्यूब पंडित जी और उस महाकती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर आप पार्टी वाले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल बोलने लगे तो अगर पौरुष महाकती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर आप पार्टी वाले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल बोलने लगे, भ्रष्टाचारी बक्से नहीं जाएंगे। उसका एक प्रारूप और होता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कहने की बात होती है, लेकिन ज्वलनशीलता और आपसी वैमनस्यता की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी वालों को मालूम है, तोड़ के मरोड़ के कहीं भी किसी मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस जी नहीं बांट रहे हैं, गिनाऊ शौचालय मोदी जी दे रहे हैं, 2000 रुपए किसान सम्मान योजना मोदी जी दे रहे हैं, 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, रेवड़ी ने अगर आपने जातियां बनाई है, आपने जातियां बनाई है तो जाति गणना जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? बिहार की जनगणना होने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनगणना चालू में, सुनिए आप, इनको समझाने वाला कोई मिलता नहीं, कोई जर्रा नहीं, ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, कभी डंका बज रहा था, हमास वालों ने मारा, ये कई बार नस्तनाबूत हो गए, डंका किस बात का? मीडिया तो आतंकी बता रही, 1 करोड़ जनता भूखी मर रही, उनको 5 किलो राशन दे के आप जिंदा किए, उस बात का बढ़ रहा है, बताओ इस बात से बज रहा है डंका? आप जो है बहुत बड़ा परमाणु शक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं, देश में जो विदेशों में जो बड़े बड़े देश बैठे हैं उनके पास तो आ रही है या नहीं आ रही, भविष्य की गत की बात जो है ना वो करिए, आप प्रवक्ता तरह बात न करें। तो आप मोदी जी को हर सवाल में क्या क्या कब कैसे लगाते, चलिए उत्तर में बेरुखी से आपको दूंगा, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता। आप कांग्रेसी हैं? हम भारतवर्ष के बेटे हैं, हर की डर नहीं सकते हैं, मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकते, जो कायर हो करके दुश्मन के आगे सर झुकाता होगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको नमन कर नहीं सकता। सुनिए आप, अच्छा बोलिए, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, भगवान श्री राम जिंदाबाद, भारत माता की जय, हाँ सब जिंदाबाद है, बोलने में क्या जाता है, बोल दिया क्या? 2024 महान बेटियां जो है भारत की जो है सम्मानित बेटियां जो है सड़कों पर घसीटी गई, उनके सम्मान की आवाज में नहीं बोले, जिस तरह से मणिपुर में जो है सड़कों पे, दुनिया में जहां भी मुसलमान बसता है हमें ये हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, हुब्बुल वतनी जुज्वे ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले रोजाना फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया, वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि खबर के पीछे की खबर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो इसराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को
इज़राइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीज़ें हैं। आप लोग अगर सही बात अवाम तक पहुंचाएंगे तो बड़ा एहसान होगा, और अगर मुंह देखी बातें करेंगे तो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, जो सही लगता है किसी को भी बुरा लगे, जो सही है वो हमें कहना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए ज़ुबान दी है, और मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम लोगों को भी जो ताकत दी गई है इसलिए दी गई है कि सच्चाई को आम इंसानों तक पहुँचाएँ। मेरा मुअद्दबाना आपसे ये अपील है कि आप लोग देश को जो सही बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि मुझसे कहीं कोई शिकायत है, मेरे समाज से कहीं कोई शिकायत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से है मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और महिलाओं को घुमाया गया उसी तरह से इजराइल वाली घटना पर मोदी जी बोल सकते हैं, वहाँ भी नग्न करके जो इजराइल में घटना पर मोदी जी बोल सकते हैं, लेकिन मणिपुर के मामले में आज भी मणिपुर जल रहा है, आपसी बहिन्नता और राग में ज्वलनशीलता बनी हुई है। पांच हो गया, अब मोदी जी का राशन खाकर मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे? हम राशन मोदी जी खा रहे हैं, कर्म पुरुष है। सुनिए आप, न जाने कितना डोनेट कर देते हैं आप मोदी जी का राशन। 80 करोड़ जो जनता खा रही है वो डाटा है। मोदी जी इतने दिन में चाहते तो जो देश का पैसा खर्चा करके अनाज खरीद करके 80 करोड़ लोगों में बांटा जा रहा है ना, उन्हीं लोगों को काम दिया जाता है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसी पैसे से बहुत काम हो जाता है, उसी पैसे के मामूली पैसे के राशन खरीदा जाता है जो गरीबों में बांटा जाता है। मोदी जी उनको काम क्यों नहीं दे रहे हैं? काम देंगे तो आपको पैसे नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, तब देश की जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैसे अपव्यय नहीं होगा, आपके घूमने में नहीं होगा, दुनिया भर के चुनावी सभा में नहीं होगा, तब देश जाके मजबूत होगा। और डंका इस बात से बजेगा, डंका तो इजराइल को भी बज रहा था, हमास वालों ने मारा जो है G20 करा, तुम्हें मालूम है G20 कराने से पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी है 140 देशों का सम्मेलन इसी दिल्ली में जो है करवाया है। G20 जो है विश्व में सभी देशों के द्वारा चलाया जाता है, अब अगले साल बीजिंग में होगा, अगले साल कहीं और होगा, इस तरह से हर जगह होता है। G20 कुछ निकल के थोड़ी आता है, आपसी भाईचारा होता है, आपसी बात होती है, उसका कोई कानून लागू थोड़ी होता है। अब आप बताइए 41,000 करोड़ रुपए जो है खर्चा किए गए, हम पैसे भी होता अपव्यय हुआ, और जो उसमें G20 में काम कर रहे थे कुछ दिन पहले तक उनको वेतन तक भी नहीं मिल पाया। मोहम्मद दल का नेता होगा, सांसद की संख्या जिसके पास ज्यादा होगी, जिसके पास सांसद दल की संख्या ज्यादा होगा वही प्रधानमंत्री बनता। आप यहाँ पे आप पार्टी में ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो मोदी जी को कोस रहे हैं? हम ये मोदी जी कोस रहे हैं, सच्चाई आपको बता रहे हैं, उसमें प्रकाश आपने सवाल किया बता रहा हूँ कि मोदी जी अहम और बहम के शिकार हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, काम करने की क्षमता कम हो गई है, अब इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, एनडीए में बहुत सारे लोग हैं, करते हैं। आपको पता है कि मानव शरीर की संरचना इस तरह से होती है, 18 घंटे की काम करने की कैपेसिटी नहीं होती। जो आदमी 18 घंटा 4 दिन काम कर ले उसका लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, LFT और CBC टेस्ट करा लीजिए, तमाम तरह का संक्रमण का शिकार हो जाएगा, या इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है वो कम हो जाएगी। उनको बता रहे हो तो हम आपको सुन लेते हैं, आप सवाल कर लीजिए, प्रवक्ता मत बनिए, प्रवक्ता आप मत बनिए कि आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप सवाल पूछिए, उत्तर देना मेरा काम है। जनता तो मोदी के साथ है, तो आएंगे क्या, क्यों लगा दीजिए सवाल में जो आप कह रहे हैं, क्या जनता इस तरह बोले, क्या जनता मोदी के साथ में है? ये वक्त कांग्रेस से पैसा लेकर आए हैं आप, हर सवाल में क्या क्या लगा, तो हम तो सवाल कर रहे हैं ना आपसे, करिए ना सवाल का, कर्म कारक चिन्ह तो नहीं आ रहा आपका, सवाल में क्या क्या कब, क्योंकि आप चश्मा पे दिख रहा है यार, आपको सवाल ही ऐसे हो रहे हैं, हम क्या बोले आपको बताओ। अच्छा मोदी जी का 5 काम बताइए, चलिए आखिरी सवाल, मोदी जी का 5 काम बताइए। महंगाई नंबर 1 का चरण सिंह का, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हो। बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर, इसका आप जवाब नहीं दे सकते हो, 2 हो गया, ठीक है। महिलाओं के सम्मान में बहुत बड़ा देखा है आपने आए दिन, चाहे वो जंतर मंतर का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, 3 काम हो गया। हर काम को अपने नाम कर लेना है, ठीक है, मोदी जी का ही काम है। मोदी जी भ्रमण के मामले में विश्व रिकॉर्ड है, इनसे ज़्यादा 92 देशों का 6 महाद्वीपों की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। 8-8 घंटा जो 18 घंटा जो काम बताते हो, जो आदमी घूमेगा वो काम करेगा? आपको पता कि मोदी जी 92 देशों की विदेश यात्रा कर डाली 9 साल में, 6 महाद्वीप घूम डाले,
21 करोड़ रुपए जो है 21,000 करोड़ रुपए विदेश नीति मजबूत हो रहा है ना जी। गलत ऐसे ना उसे बहुत बड़ी भूल होगी मोदी जी से। बहुत क्या भूल होगी, गजब कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए मैं आपको बता, हम तो फिलिस्तीन के समर्थक हैं। देखिए फिलिस्तीन के समर्थक क्यों है? इसलिए कि उन पे अन्याय हो रहा है, उन पे अन्याय हो रहा है फिलिस्तीन पे, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है। एक गरीब देश को, एक ताकतवर देश, उसको क्या निस्तराभूत करना चाहता है? अपनी ताकत गरीब को दिखाएगा, गरीब मुल्क को दिखाएगा? कोई जो ताकतवर आदमी गरीब को ताकत दिखाएगा उसका क्या फ़ायदा? कितने लोग पहले भी मरे, छोटे बच्चों का जब कत्लेआम हो रहा है वो नहीं दिख रहा? नहीं, कत्लेआम उन्होंने जो किया पहले इसराइल ने, हमास जो कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। नहीं, इसराइल ने जो किया उसकी बात करो ना। इसराइल जो पहले करता रहा है, इसराइल ने हमारे देश में जासूसी करी नहीं करी हमारे देश में जासूसी? पेगासस कौन लाया? किस तरीके से किया जो पेगासस जासूसी करी हमारे देश के लोगों के लिए? तो हमारे देश के लोग जासूसी करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे? नई टेक्नोलॉजी है ना। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी आप करोगे इसराइल की जासूसी? आप नई टेक्नोलॉजी यूज करोगे किसी देश की जासूसी करेंगे आप? हैं, करेंगे आप? क्या नई टेक्नोलॉजी का है कि नई टेक्नोलॉजी खुश नहीं है हमारे देश की जासूसी कर रहा है उसको ठीक कहेंगे? वो एक इसराइल हमारे देश की जासूसी कर रहा है पेगासस से, सुरक्षा तो के लिहाज से किया जा रहा है हमारे देश सुरक्षा, हम खुद सक्षम है, भारत खुद सक्षम है, भारत कई देशों को ताकत दे सकता है, इतना सक्षम है भारत। भारत कभी किसी से नहीं डरा, कभी किसी से नहीं डरा भारत, ये बात को आपको मैं याद रखी आप। तो भारत सक्षम है। तो ये जो इसराइल कर रहा है गलत है, वो बिल्कुल गलत है। और जो फिलिस्तीन कह रहा है अपने लिए, ठीक कह रहा है अपने लिए, वो इसराइल जो धमकी दे रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रही? वो जो कह रहा है, एक गरीब आदमी, एक गरीब मुल्क, वो धमकी दे रहा है, वो अपने रक्षा के लिए कुछ भी बोलेगा। सोया शेर को जगा दिया, ऐसा नहीं, ये शेर हैं, फिलिस्तीनी भी शेर हैं। एक ताकतवर आदमी गरीब कंट्री को अपनी ताकत दिखा रहा है, ये है इसराइल। कहता है दुनिया में बड़ा ढिंढोरा पीटता है, यहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता। अरे यार, ये परिंदा क्या है? कहाँ रहा वो परिंदे? अरे एक सुनिए, फिलिस्तीन ने अपनी रक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अगर हमला किया, वो मत कहे ना यार परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यार क्या हवाबाजी करता है इसराइल, किस बात की? सारा वो खुल गया उसका पोल, कोई ताकतवर नहीं इसराइल, कोई इसराइल ताकतवर नहीं है, हवा में बातें करता है। अगर फिलिस्तीन सही रहता तो उनके खिलाफ इस्लामिक कंट्री क्यों गए? देखिए फिलिस्तीन और यूएई थोड़ी, फिलिस्तीन सही है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग उसके साथ है। कहाँ उनके साथ है? इस्लामिक कंट्री उनके साथ नहीं है। मैं कह रहा सब उसके साथ है, इस्लामिक कंट्री नहीं, सारे साथ हैं उनके, सब साथ है। बहरीन को देखिए, यूएई को देखिए, आप देखिए, हर आप देखिए, जो जितने भी हैं अंदरूनी तौर पे सब साथ हैं। मेरी बात लिखिए, ये डिप्लोमेसी होती है, राजनीति होती है, सब लोग अंदरूनी बातें कई चीज़ें होती है। खुला समर्थन किया है अमेरिका ने, खुला समर्थन, हम खुला समर्थन कर रहे हैं, मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, खुला समर्थन है मेरी कांग्रेस पार्टी ने करा, इजराइल के साथ। देखिए मेरी पूरी पार्टी ने, कांग्रेस ने समर्थन किया है फिलिस्तीन का, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। देखिए फिलिस्तीन के नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, समझ में आया, और उनके सभी जीविका के माध्यम बंद कर दिए जा रहे हैं। तो जब लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए समस्त विश्व के देशों को पहल करनी चाहिए, समझ में आया। अन्याय के खिलाफ शांति का प्रस्ताव सभी विश्वों को लाना चाहिए। जब बड़े देश अपने पड़ोसी देशों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मानवता कहाँ बचेगी? आने वाले दिनों में हमारे भी देश में उसी प्रकार के हालात, फिर गुटबाजी होने लगेगी, फिर हमारा भी, हम भी नष्ट होंगे। तो इस प्रकार से मानवता का पतन करना अच्छी बात नहीं है। मानवता के लिए लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, सभी देशों को मिलकर फिलिस्तीन और इसराइल के युद्ध को विराम कराना चाहिए, इनके बीच मध्यस्थता करानी चाहिए। तो कराना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन क्या लगता है जल्दी ये खत्म हो जाएगा? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है। अत्याचार के खिलाफ ज्यादातर लोग नहीं खड़े होते हैं, सभी देश न्याय के साथ खड़े होते हैं। मैं आपसे, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अगले 5 दिनों में देखना, निश्चित रूप से फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी, और इजराइल को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और इजराइल को समझौता करना पड़ेगा। आप इस बात को मान लें, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम इस तरह की नफरत के साथ खड़े हो जाएंगे तो आने वाले समय में फिर दुनिया में विश्व अपने देश की सच्चाई नहीं दिखाता है। भारत के मीडिया ने भारत में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को आज तक अपने टीवी चैनल पर नहीं दिखाया है। भारत के मीडिया ने चोरों ने मंदिरों से 2.5 क्विंटल सोना चुरा लिया, मीडिया ने कभी नहीं बताया है। आज तक हमारे भारत के मीडिया ने पुलवामा के आरोपियों के लिए कभी मीडिया पर बात नहीं की है। भारत के मीडिया ने हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी के जिस षड्यंत्र से हत्या की गई उस पे से आज तक कभी पर्दा उठाने की बात नहीं की है। आप भारत के मीडिया का कल्चर पूरा विश्व जानता है, हमारे देश का
का है, कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं कहते हैं, स्वयं कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मीडिया झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखाता, मीडिया मजबूर है। आज भारत के मीडिया चैनल सभी सेठ जी ने खरीद रखे हैं, सेठ जी ने मीडिया चैनलों को बंदी बना रखा है, उसका रवीश कुमार जी सबसे जीता जागता उदाहरण है। किस तरीके से एनडीटीवी को खरीदा गया, फिर प्रताड़ित किया गया पत्रकारों को, कैसे लोगों ने इस्तीफे दिए, आप सब लोग जानते हैं। भारत की मीडिया की दुर्दशा के जनक भारतीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, डेमोक्रेसी ऑफ फादर ऑफ डेमोक्रेसी मिस्टर मोदी जी हमारी देश की मीडिया के हालात के आज जिम्मेदार है। वो कहते थे गोधरा में मुझसे गलती हो गई, गोधरा कांड में मैंने मीडिया मैनेज नहीं कर पाया। अब वो देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को मैनेज किया है। आज मीडिया उनको दिखाता है कि वे 56 इंच की छाती हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, जबकि धरातल पे आज भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़ी हुई है, उन जल्दी से चुनाव का इंतजार कर रही है।